थैंक यू यार, जो तूने किया ना एक सच्चा यारी कर सकता है दूसरे यार के लिए। रॉकस्टार है ये। रॉकस्टार नहीं, लव स्टार है ये मेरा। वैसे फील नहीं होता जैसे मुझे होता है। आशा, आशा ने अपनी आशा की किरण तो दिखाई, बट हमेशा राहुल के साथ डेट पे चली जाती है। समझ नहीं आता मेरी किस्मत खराब है या मैं। सिड, क्या तुमने कभी स्नेक्स एंड लैडर खेला है? हाँ। उसमें 99 वाला सांप याद है, जो काटता है तो सीधा फर्स्ट रो पे चला जाता है और फिर पूरी गेम फिर से शुरू करनी पड़ती है। यार अभी इतनी लाइफ में इतनी टेंशन है, आप क्यों सांप सीढ़ी का खेल मेरे साथ खेल रहे हो ऐसा? वो इसलिए क्योंकि लव भी एक गेम की तरह है, जहां राहुल जैसे बहुत सांप तुम्हारे रास्ते में आएंगे, पर क्या तुम सांप के डर से गेम छोड़ दोगे? नहीं ना। वैसे ही तुम्हें होप की सीढ़ी चढ़ के लव के इस गेम में आगे बढ़ते रहना होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच लव स्टार, लव यू टू ब्रो। नेक्स्ट सॉन्ग तुम जैसे उन आशिक के लिए जो इश्क में कभी हार नहीं मानती। Not bad. Not bad. It was really good. ज़्यादा उछलो मत। I never understand लोग तुम्हारी बात मान क्यों लेते हैं। ये दिलों की बातें तुम नहीं समझोगी सनुरीता। Now get back to work. Yeah. बाकी ये तो पता खाने में क्या खाएगी, तब तक मैं ऑर्डर कर देता हूँ। पीने में क्या है? Hi Saisha, I'm on leave today, not feeling well. ये लो तुम्हारा ड्रिंक। सूखी सूखी पीनी पड़ेगी क्या? थोड़ी जल्दी नहीं शुरू हो गया? Right back. बाकी आज के लिए बहुत हुआ। तू अपनी एडवाइस ना अपने शो के लिए रख, पर नहीं, तूने तो मुझे विक्रम के लिए पूरा ही बदल दिया। और विक्रम, विक्रम ने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। व्हाइट पेंट करने से कौवा हंस नहीं बन जाता। तेरी ना बचपन से यही प्रॉब्लम है, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना। सॉरी, कोई नहीं चाहिए मुझे, वो भी नहीं, तू भी नहीं, कोई भी नहीं। यार शांत हो जाओ, बाकी सुनो। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ना, तुम बस शांत हो जाओ। अब मुझे औरों को ब्लेम नहीं करना। चल तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि ये सब मेरा फॉल्ट है। बाकी मुझे पता है ये तेरी फॉल्ट नहीं है। अच्छा बैठ। तुझे से प्यार था ना, पता है हम जिसे प्यार करते हैं ना उसे हमेशा खुश देखना चाहते, और तूने तो बस वही किया ना उसकी खुशी के लिए। उसकी खुशी के लिए मैं अपनी खुशियां भूल गई। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? जल बाकी शांत हो जा, हम तेरी खुशी मिलके खोजेंगे, ठीक है? प्लीज ऐसे रोना मत। तू
आयशा, मैंने सोचा कि मेरे लव स्टार का हालचाल पूछ लूं। कल तुम ऑफिस नहीं आए, एक फोन कॉल से इतना मूड ऑफ हो गया, रियली? उस आयशा, बात ये कि आयशा, आई कैन एक्सप्लेन, तुम अंदर आओ। I'm waiting, guys. कहानी तब शुरू हुई जब मैंने पहली बार विक्रम को देखा। हॉट है यार ये। But कॉफी कोल्ड है, मतलब आज से चाय बंद और कोल्ड कॉफी शुरू। Move your... ऐसे नहीं पार्किंग, आराम से यहाँ। आप पार्किंग ऐसा तो ना, वो हो गया इंप्रेस। तू ना अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है, रहने दे तू। अच्छा 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 सुन ना, अब पक्का ठीक से करूंगी, आई प्रॉमिस। थोड़ी देर रुक जाना प्लीज प्लीज। देख पार्किंग, लड़के ना उन लड़कियों को पसंद करते हैं जो उन्हें हरा देती। हराएंगे ना, और अगर तुझे विक्रम को इम्प्रेस करना है ना, तो उसे डांस कंपटीशन में हराना होगा, समझी? प्रैक्टिस करते चल चल चल। अरे करना। Not bad. तुम तो पहले से ही लवर्स को मिलाने का काम कर रहे हो। यहां तक तो सब ठीक है, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हुई जब मैंने विक्रम के लिए खुद को बदलना शुरू कर दिया। पता तब चला जब और मैं साथ रहने लगे। Well, Jen Pathy, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो I would have killed him. Anyways, अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आई। मैं तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती गाइस। जॉब ढूंढ रही हूँ, मिलते ही चली जाऊंगी। Pathy, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, exactly. चलो गाइस, I'll take a leave. आप, मैं आता ना बाहर। Pathy, just come. सैड यार, टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं एक हफ्ते के लिए मुंबई जा रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। तब तक तुम Pathy का ख्याल रखो। थैंक यू सायशा फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगा Pathy के यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम्हें एक फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच का डिफरेंस पता है। सी यू, ध्यान रखना अपना। तुम भी। ठीक है, ओके, बाय बाय। क्या कर रहा है? ऑन एयर जाने का टाइम हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार लव स्टार आ गया हूँ फिर एक बार, कर रहे हैं आपसे दिल की बातें चार। क्या बात है, आज किसी को प्यार में कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं? ये तो अच्छी बात है, तो इसी अच्छी बात पर एक प्यारा सा सॉन्ग हो जाए। Bro, last time जो उस लड़की ने तेरी बजाई है ना, आई थिंक लोगों का तेरी एडवाइस पर से भरोसा उठ गया है। Finally, किसी के तो दिल में दर्द है। May I know who is speaking? Shilpi. So Shilpi, दिल के मामले में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो दिल खोल के बताइए। आपके लास्ट कॉल में एक लड़की ने कहा था कि आपको तो ब्रेकअप कराने की एडवाइस देनी चाहिए। Well, Shilpi, I'll try my best. मेरा बॉयफ्रेंड चाहता है मैं रिया जैसी बन जाऊं। By the way, रिया is my friend. I'm confused. उसे रिया पसंद है या मैं? Well, अपने आप को किसी और के रंग में ढलने से
तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी बदल नहीं सकती। तुम चाहे बाहर से रिया बन जाओ पर अंदर से तो शिल्पी ही रहोगी। एंड वन डे दैट शिल्पी विल कम आउट। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बदल के प्यार करने को प्यार नहीं सौदा कहते हैं। सो शिल्पी आई होप यू गॉट माई मैसेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू लव स्टार, यू आर अमेजिंग। माय प्लेजर। सो द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली फॉर यू। बड़े ब्रेकअप कराने लग गए। हाँ वो क्या है ना कि किसी के बदौलत मुझे लव स्टार से ब्रेकअप स्टार का खिताब जो मिल गया। सॉरी यार, ठीक है मुझे तेरे शो पे तेरी बैंड नहीं बजानी चाहिए थी। बैंड तो तूने बजा दी और पूरी दुनिया ने भी सुन ली। हुँ? बोला ना सॉरी, अब पूरी लाइफ सुनाएगा क्या? माय स्ट्रॉन्ग गर्ल। Some interviews for Paki. Let's भेज रही हूँ, तुम उसके साथ शेयर कर लेना। Thanks a lot, Saisha. It means a lot. Next time, दो ऑरेंज लॉली खिला देना। वैसे आज खाने में क्या ऑर्डर किया है? ऑर्डर तो पाकी ने दिया है। Outside food not allowed. कड़ी चावल बनाया उसने आज। मेरे तो ना खुशबू से ही पेट में चूहे दौड़ रहे। चलो तुम अपने कड़ी चावल enjoy करो। We'll talk later. Okay, bye bye. आज तो ना हाथ से खाना बनता है। तू ले लेना प्लीज। सॉरी। पता नहीं साइशा ने तुझमें क्या देखा, तू मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है यार। बात तो तूने ठीक हुई, नमूने आए हम। पाखी। Yes, that's me. जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली सारे दिन भी ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सागर मिलके जिनको रुला न पाए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए। जितना बुलाना चाहा, जितना बुलाना चाहा, तुमको याद आए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए। जिस रात आंखें सोए सुकून से, वो रात आती क्यों नहीं? जिस रात आंखें सोए सुकून से, वो रात आती क्यों नहीं? पिछले
बरस तू बाहों से जा चुकी, ओ दिल से जाती क्यों नहीं, क्यों तेरी यादों को अब तक संभाला है, तस्वीर तेरी हम क्यों जला ना पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए, जितना बुलाना चाह जितना बुलाना चाह तुम इतना याद आए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए। पी ली थी ना हमने, मुझे तो याद भी नहीं कल क्या हो। जल आयशा एक्सप्रेशंस गलत है या फिर सच में तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? नो, आई एम हैप्पी, बट तुम्हें अचानक देख के समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करूं। हाउ वाज योर ट्रिप? एग्जॉस्टिंग। आई रियली वांट टू गो आउट एंड स्पेंड सम टाइम विद यू। इस वीकेंड चले? गुड आइडिया, चल सकते हैं। इनफैक्ट पाखी को भी अच्छा लगेगा, बहुत दिन से वो घर पे बैठी है। हाँ पाखी को भी ले चलेंगे। अच्छा लिसन ना, मेरी ना एक छोटी सी मीटिंग है, फटाफट खत्म करती हूँ और फिर साथ में घर निकलते हैं। वो एक्चुअली मैं आजकल अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, पाखी खाने पे वेट कर रही होगी ना, तो आई थॉट जल्दी टाइम पे पहुँचूंगा। ओके कूल, सी यू लेटर देन। बट वी आर डेफिनेटली गोइंग आउट दिस वीकेंड एंड वी गोना हैव लॉट्स ऑफ फन। या श्योर, चलो आई विल सी यू, बाय। पाखी, विक्रम से अच्छा तो तुम जल के साथ भाग जाती, केमिस्ट्री तो तुम दोनों में है ही। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग। नाइस प्लेस गाइस। थैंक यू। तुम शायद अपना रूम नंबर भूल गए हो। सॉरी साईशा, वो साथ रहने की आदत सी होगी ना, तो इट्स ओके। हाय साईशा। हाय जल। आज इवनिंग में क्या कर रही हो? Nothing much.
तो डिनर घर पे प्लान करें? पाकी इज इनवाइटेड यू, उसने तो मुझे सुबह सुबह उठा के लिस्ट पकड़ा था। नो जल, आई डोंट थिंक आई एम अप फॉर इट। कम ऑन साईशा, प्लीज चलो ना, शी हैज रियली इंसिस्टेड। ओके फाइन। हाय। हाय पाकी, हाउ आर यू? गुड, तुम कैसी हो? गाइस, एक गुड न्यूज देनी है तुम लोगों को। गुड न्यूज? मेरी जॉब लग गई है दिल्ली में, और वैसे भी तो जैसे नमूने के साथ लाइफ टाइम तो नहीं रह सकती ना। ओ तेरी, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट द कस्टर्ड, आई विल गेट इट राइट। वाना मिस पाखी। क्या मी टू? तुम लोग बचपन से ही ऐसे इनसेपरेबल हो? थोड़ी बना सकते, बचपन से स्कूल में सब हमें जय वीरू कहते थे, और एक बार तो वो इसलिए फेल हो गए था कि मेरे घर वालों को लगे कि जब पाखी पास नहीं हो सकती तो जल क्या पास हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाखी को एक आइसक्रीम पसंद थी, मेरा मतलब है ऑरेंज बार मुझे भी पसंद था। पता है जन, लोगों को बहुत एडवाइस दी है, अब जरा अपनी दिल की भी मान लो और बोल दो उसे, और अब ना पाखी को किसी और के पास जाने मत देना। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सर। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सागर मिलके जिनको तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना पाए, जितना भुलाना चाह जितना भुलाना चाह तुमको याद आए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना पाए। अपना टॉप ढूंढते हुए मुझे कुछ मिला था, हम शायद तेरे तो कुछ काम का नहीं है, मैंने सोचा नहीं रख लूँ, फिर भी तुझे एक बार दिखा देती हूँ, बाद में मुझे मत बोलना कि तेरे से पूछा नहीं। विक्रम के साथ चाहती थी, मैं तुझसे कहना चाहता था कि प्लीज मत जा, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा। जिस रात आंखें सोए सुकून से, वो रात आती क्यों नहीं? पिछले बरस तू बाहों से जा चुकी, ओ दिल से जा।